अन्ना की कथित सीडी पर अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं जांच के लिए तैयार हूं और अन्ना को गुमराह किया जा रहा है। पहली चीज तो ये कि कल अन्ना ने जो बयान दिया, मैं तो पूरा दिन रोड शो में था, मैंने तो देखा नहीं। अन्ना ने कहा कि कुछ लोगों ने उनको ये ले जाके दिखाया कि हमने उनकी फोटो इस्तेमाल किया। हमने तो कहीं फोटो इस्तेमाल नहीं की। इसका मतलब बीजेपी कांग्रेस वाले कुछ झूठे पर्चे छपवा के अन्ना को बहका रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वीडियो के सामने आने से उन्हें दुख हुआ है और वो बार बार कह चुके हैं कि अन्ना उनके साथ नहीं है। कल वीडियो आया, वो देखने के बाद फ्रैंकली मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत बहुत दुख हुआ है। और हम ये पूरी की पूरी लड़ाई सच्चाई और ईमानदारी के उस पर ही लड़ रहे हैं। मैं ये तो कह ही चुका हूँ कि मेरी सारी जांच करा ली जाए और अगर एक भी पैसे की इधर उधर मिलता है तो मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। अन्ना ने भी कहा है कि उन्होंने केजरीवाल पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। मैंने ये आरोप नहीं किया था कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, ये सब पैसा खा लिया, ऐसा तो नहीं कहा था। मेरा कहना था मैं कभी 5 रुपए से कभी हाथ नहीं लगाया। इसका मतलब वो आरोप के लिए नहीं, ये सिर्फ जनता को मैं कह रहा हूँ कि मैं पैसे से बहुत दूर हूँ। अगर कोई ये बताता हो कि अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का झगड़ा है तो वो गलत है। मतभेद होते हैं लेकिन आरोप नहीं है ना। चुनाव से पहले केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले से ही राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर रहे केजरीवाल पर सीडी के जरिए लगे गंभीर आरोपों पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय ने शिवराज सरकार के विज्ञापनों को झूठ का पुलिंदा बताया है। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से झूठे विज्ञापन दे रही है उसका उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। एक, ये इनका विज्ञापन है, काम बोलता है परिणाम बोलता है। काम बोलता है परिणाम बोलता है। 10 साल भाजपा के 10 साल में इन्होंने ये क्या कर दिया, सूखे से हरा कर दिया। अब ये हरा का जो है ये ईरान की खेती हो रही है, ईरान की वेबसाइट पर ये चित्र है, उसको वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की ये खेती हो रही है। कितना बड़ा झूठ भाजपा और शिवराज सिंह चौहान लगा रहे हैं। शिवराज सरकार की पोल खोलते हुए दिग्विजय सिंह ने शिवराज को मोदी से भी बड़ा फेकू कहा है। भारतीय जनता पार्टी में हम तो फेकू एक कोई समझते थे नरेंद्र मोदी को, इससे तो बड़ा फेकू शिवराज सिंह चौहान निकल रहा है। दिग्गी के इस हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के राजनीतिक खलनायक हैं और मध्य प्रदेश में वो गड्ढों के, ओवरड्राफ्ट के और बैड इकोनॉमिक सिचुएशन के प्रणेता हैं, नेता रहे हैं। हमने उस चित्रों के माध्यम से उन क्षेत्रों की सबसे बेहतर व्यवस्था को चित्रित किया है कि हम अपने तीसरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश को इस ओर ले जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होना है, ऐसे में जहां शिवराज सिंह चौहान विकास की दम पर हैट्रिक बनाना चाहते हैं तो वहीं कांग्रेस शिवराज सरकार के विकास के दावों को जनता को गुमराह करने वाला बता रही है। लड़की की कथित जासूसी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी का बचाव किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि मोदी को इस मामले में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस लड़की की स्नूपिंग की बात की जा रही है उस लड़की के फादर ने ही पत्र लिखा है और उस पत्र को उसने पब्लिक किया है और पब्लिक करने के बाद कुछ कहने के लिए शेष नहीं बचता है। और इतना ही नहीं बल्कि उस लड़की के पिता ने ह्यूमन राइट्स कमीशन तक भी अप्रोच की है, वहां पर भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हमारी लड़की के संबंध में जो कुछ भी इधर उधर की बातें की जा रही है, जो बयानबाजी हो रही है, वो रुकनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। हमारे परिवार की प्रतिष्ठा पर उससे आंच आ रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 2002 से लेकर अब तक गुजरात के गृह मंत्री का कैबिनेट प्रभार मोदी के पास ही है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, लोगों को मालूम नहीं है कि 2002 से लेकर आज तक गृह मंत्री कैबिनेट रैंक जो है वो स्वयं नरेंद्र मोदी जी के पास है। और जितनी जवाबदारी होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट की है उतनी ही जवाबदारी नरेंद्र मोदी जी पर भी आती है।
कोबरा पोस्ट और गुलेल ने खुलासा किया था कि साल 2009 में अमित शाह ने साहेब के कहने पर लड़की की जासूसी करवाई थी, जिसको लेकर अब जमकर राजनीति हो रही है और कांग्रेस लगातार मोदी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से नाराज बीजेपी ने आज चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में एक रैली के दौरान बीजेपी को चोर कहा था। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस के कई इश्तेहारों पर भी नाराजगी जताई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी सभा में बीजेपी को चोरों की पार्टी कहा था, जिसके बाद बीजेपी आग बबूला हो गई है और इसी मुद्दे को लेकर आज बीजेपी चुनाव आयोग के पास पहुंची। बीजेपी ने राहुल के इस बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की है। श्री राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले जिस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने श्री राहुल गांधी जी को चेतावनी दी थी, उसके बाद उन्होंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी को चोरों की पार्टी, लुटेरों की पार्टी छत्तीसगढ़ की एक सभा में कहा, जो कि शुद्ध रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनावी कानूनों का उल्लंघन है। बीजेपी ने मांग की है कि चुनाव आयोग को कांग्रेस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस की सदस्यता खत्म करने की भी मांग की है। एमपी के शहडोल में आदिवासियों को लेकर मोदी ने कांग्रेस को घेरा है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के समय आदिवासियों की याद आती है। कांग्रेस की एक भी प्रधानमंत्री को आदिवासियों की याद नहीं आई। वो याद करते थे सिर्फ चुनाव के दिन। एमपी के प्रचार के मैदान में कूदे मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं की भी जमकर तारीफ की। शिवराज जी की सरकार ने इतनी विविध भांति भांति योजनाएं बनाई है कि जिसके कारण आज मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को शिवराज जी अपने लगते हैं। मोदी के हमले का कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। अरे हमको क्या कहते हैं, मर्यादा की नसीहत देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेते। जो पिछले एक महीने से बखान कर रहे हैं और जिस तरह सारे चुनाव प्रचार की इन्होंने मर्यादा भंग की है, उसको एक बहुत ही निचले स्तर पर ले आए हैं, तो अगर हमारी तरफ से कोई जवाब आता है तो फिर वो चुपता है। एमपी में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस 10 साल बाद फिर सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। जहां कांग्रेस इसे सरकारी दस्तावेज बनाने की बात करती है, तो संकल्प पत्र बनाने के बाद बीजेपी इसे जस का तस लागू कराने की बात कहती है। इस घोषणा पत्र में किसानों के साथ ही युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों और तमाम तबकों का ध्यान रखने की बात कही है, जो कि वोट को प्रभावित करते हैं। 24 घंटे घरेलू बिजली, 8 घंटे 3 फेज बिजली, पर्याप्त स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, मध्यम वर्ग आयोग का गठन, नौजवानों के लिए 15 लाख नए रोजगार निकाले जाएंगे। इस घोषणा पत्र में ग्रामीण औद्योगिकरण की बात की है, तो SBC आरक्षण और कर्मचारियों को समुचित पदोन्नति देने जैसे मुद्दों को भी छुआ गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 50 पन्नों के घोषणा पत्र में करप्शन मुक्त दिल्ली के अलावा जन लोकपाल लाने का भी वादा किया गया है। साथ ही इस घोषणा पत्र में दिल्ली को साफ पानी देने का भी वादा है। इसके अलावा मुसलमानों के लिहाज से भी एक पॉइंट साफ तौर पर डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि देश भर में जो फर्जी इनकाउंटर हुए हैं या मुस्लिम युवाओं को जो फंसाया गया है, तो उनके साथ न्याय किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था करेगी आम आदमी पार्टी। इसके अलावा इस घोषणा पत्र में पब्लिक टॉयलेट बनाने, साथ में अधिकार ग्राम सभाओं को देने और बाहरी दिल्ली में जो अधिकतर गांव के इलाके हैं उनका और ज़्यादा विकास करने की बात कही गई है। साथ ही में अनऑथराइज कॉलोनियों में और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी बात अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने अपने घोषणा पत्र में की है।
पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब वीके सिंह रिटायरमेंट के करीब थे और उनकी उम्र का विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से इनकार करते हुए सरकार के पास वापस भेज दिया था, जिसके बाद वीके सिंह ने मीडिया में ऐसा कुछ बयान दिया था जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज था और सुप्रीम कोर्ट ने वीके सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन आज वीके सिंह के माफी मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई को बंद कर दिया। मुंबई पर केमिकल अटैक का खतरा है, ये आशंका जताई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने। सीएम ने कल मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुंबई की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सीएम ने मुंबई में केमिकल अटैक की संभावना जताई है। सीएम की इस आशंका के मद्देनजर राज्य की पुलिस को और चौकस रहने का आदेश दिया गया है। सीएम की इस आशंका के बाद मुंबई की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और मुंबई आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। बैंगलोर में एटीएम से पैसा निकालने पहुंची बैंक मैनेजर पर जानलेवा हमला हुआ है। सीसीटीवी फुटेज पर हमला करने वाले बदमाश का चेहरा साफ नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देखिए, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही ये महिला ज्योति उदय है, जो मिशन रोड पर कॉरपोरेशन बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए पहुंची। तभी इनके पीछे से एक बदमाश एटीएम में घुस आता है और शटर गिराकर महिला को धमकाने लगता है। वो अपने बैग से पिस्तौल और फरसा निकालता है। वो एटीएम से पैसे निकालने के लिए कहता है। महिला और बदमाश में जमकर बहस होती है। तभी बदमाश महिला पर फरसे से कई वार कर देता है और फरार हो जाता है। बाद में घायल बैंक मैनेजर को बीजीएस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। शी इज स्पीकिंग, शी हैज अंडरगॉन एन ऑपरेशन, बट शी हैज लॉस्ट लॉट ऑफ ब्लड, देयरफॉर हर वीकनेस इज देयर, शी इज रिकवरिंग। हमला करने वाले बदमाश का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस का दावा है कि उसे वो जल्द पकड़ लेगी। गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में एक बिजनेसमैन ने पहले अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की और उसके बाद खुद जान दे दी। इस वक्त हम इंद्रपुरम के ऑरेंज काउंटी सोसाइटी में खड़े हुए हैं, जहां पर फ्लैट नंबर 1204 में हादसा हुआ। पुलिस को रात करीबन 1:30 बजे एक कॉल आया, जिसमें अंकुश गुप्ता ने कॉल किया कि काफी देर से बेल बजा रहे थे उनके घर से, फ्लैट नंबर 1204 में अंदर से काफी तेज टीवी की आवाज आ रही थी। पुलिस ने जब यहाँ पर आकर देखा, फ्लैट में आकर जब छानबीन की, तो उसके बाद जाना कि यहाँ पर काफी ज्यादा पाल पड़े हुए थे। अंकुर गुप्ता के हाथ में एक बर्न इंजरी थी और पास ही कंट्री मेड पिस्टल पड़ी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को ने के मुताबिक प्राइमा फेसी से अंदाजा लगाया है। जो प्राइमा फेसी सर्कमस्टांसेस हैं, वो ये कहते हैं कि अंकुर गुप्ता ने पहले अपनी पत्नी और बेटे को हत्या की और उसके बाद खुद जान दे दी। अपराध या जो इस घटना को कारित करने वाला व्यक्ति है, प्रथम दृष्टया अंकुर गुप्ता ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनका पूरा हाथ जो है उस पर ब्लैकनिंग है, गन पाउडर है